सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, रिटेलिंग सेक्टर कंपनी। और पीछे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर हमें जो अभी 86% तक बिग फॉल देखने को मिला था। उन सबके पीछे रीजन क्या था कि कंपनी के अंदर आप देखोगे, एक तो हमें एक कंपनी सेपरेटेड होते हुए नजर आई है, एक कंपनी हमें जो अभी इसके अंदर मर्जर होते हुए नजर आया है। तो मर्जर और डीमर्जर दोनों ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर रेड टेप का जो बिजनेस है वो सेपरेट हुआ है, और आरटीएस का जो ना भी आप देखोगे इसके अंदर एंट्री होते हुए नजर आई, दोनों कंपनियां एक हुई है। तो इस प्रकार आप देखोगे 86% स्टॉक टूटा क्योंकि रेड टेप अलग हुई थी। उसके बाद स्टॉक आप देखोगे 5% भागा था, ठीक है, उसी दिन 5% स्टॉक ने यूसी भी लगाया था क्योंकि आरटीएस जो है इसके अंदर एंट्री होते हुए नजर आए, जिसके चलते आप देखोगे ये स्टॉक का हाल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब जो ये जो शेयर है आज के दिन आपको फिर से 5% जो ना भी गिरते नजर आया है, 5% के स्टॉक में एलसी लगा हुआ है। ऐसे में हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो शेयर है वो सेल नहीं हो पा रहे हैं, हमने खरीदे हैं गिरने के बाद तो अब सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो भी देखो इस शेयर को लेकर हमारे इस वीडियो में मैंने आपको बोला था, जैसे कि आपने देखा पिरामल एंटरप्राइजेज और पिरामल फार्मा का हमें दोनों की दोनों कंपनियां डीमर्जर होते हुए नजर आई थी, फिर दोनों स्टॉकों में काफी बड़ा फॉल देखने को मिला, ठीक है। तो काफी बुरा हाल हो चुका था दोनों कंपनियों का। तो इसी प्रकार क्या इस कंपनी के अंदर भी यह हाल हो सकता है, जैसा कि आप देखोगे भाई मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर और जो ना वो रेड टेप का अलग हुआ है, तो रेड टेप भी अलग लिस्टिंग होगी उसकी। और अब आप देखोगे मिर्जा इंटरनेशनल और जो ना भी आरटीएस जो शेयर है जो इनका दोनों का डीमर्जर हुआ है उनका भी एक शेयर बन जाएगा, तो उसके भी हमें जो ना भी इसी के अंदर लिस्टिंग होते हुए नजर आएगी। तो अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है कब लिस्ट होगा कब नहीं, जैसे ही उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है क्या कुछ कितने शेयर आपको मिलेंगे, तो वो हमारी वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो यहां पर आप देखोगे भी स्टॉक जो आपको आज के दिन 5% टूटते नजर आए क्योंकि स्टॉक पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो चुका है। दो दिन में आपने देखा होगा स्टॉक जो लगभग आपको 10% भागते हुए नजर आया था, तो अब ऊपर के लेवल से तो 10% भागा है स्टॉक, वहां से हुई है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते स्टॉक में ये करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर स्टॉक नॉन स्टॉप टूटता है तो कहाँ तक टूट सकते हैं। और एक चीज़ और आप देखोगे भी ट्रेडिंग विंडो भी इसके अंदर जो ना क्लोज हो चुकी है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है कंपनी के प्रमोटर्स हैं ऑपरेटर हैं वो अब इसके अंदर जो ना अभी बल्क में बाय सेल नहीं कर सकते, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चलिए वो न्यूज़ भी आपको दिखा देते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो न्यूज़ आई है उससे पहले RSI MFI के लेवल्स, RSI आपको 12 पर देखने को मिल रही है, MFI 44.5 के ऊपर है, जो कि आप देखोगे दोनों अच्छी रेंज में है। RSI मिड रेंज में है, सॉरी RSI तो ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है स्टॉक, और MFI की बात करें तो मिड रेंज में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें न्यूज़ की तो यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ और आपने देखा होगा भी, हर क्वार्टर में जो इसके प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। FFIs ने यहाँ पर अपना स्टेक अभी थोड़ा बहुत डिक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज करते नजर आए हैं प्रीवियस क्वार्टरों की अगर बात करें। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखोगे रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के Q4 के, तो उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है वो भी देखेंगे भाई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे ये जो अपडेट आई है इस लेवल पर आप देख सकते हो भी 31 तारीख को ये अपडेट आते नजर आई थी कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हुई ना भाई इसी कारण हुई है कि एक तो आप देखोगे कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी अब Q4 के, यानी मार्च क्वार्टर के लास्ट तारीख थी, उसके बाद आप देखोगे जो प्रमोटर हैं प्रमोटर ग्रुप है एम्प्लॉयज है इसके अंदर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्क में बाय माल जो है बाय सेल नहीं कर, ब्लॉक डील नहीं कर सकते, तो इन सब के ऊपर जो है हमें रोक लगती हुई नजर आई है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके अंदर जो गिरावट हुई है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मिर्जा इंटरनेशनल में एलसी लग चुका है, जबकि सुबह स्टॉक ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, ठीक है, वही स्टॉक का हाई रहा है, उसके बाद स्टॉक ने एलसी दिखाया है 33.10 रुपये का लो लगाया, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका था स्टॉक से निकलने का। बट यहाँ पर अब आप देखोगे सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा हो चुका है स्टॉक के ऊपर, 2,08,711 क्वांटिटी आपको सेलिंग के लिए लगी नज़र आ रही है। अगर बात करें शेयर सेल को लेकर तो देखो आप लोग जितने सेलिंग के लिए ऑर्डर लगाओगे आपको पता है सेल प्रेशर स्टॉक के ऊपर लगेगा, इससे अच्छा मेरा जहाँ तक मानना स्टॉक को जैसा है वैसा रहने दीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो स्टॉक में और ज्यादा करेक्शन आएगी और ये स्टॉक आपको जो ना भी 10 रुपए टूटते हुए नजर आ सकते हैं, यानी 20 रुपए के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसलिए जितना हो सके इस शेयर के अंदर सेलिंग प्रेशर मत डालो और
जिसने भी ये सेलिंग ऑर्डर लगा रखे हैं कृपया करके यहाँ से हटाओगे तभी आपको जो स्टॉक के अंदर फिर से एक अच्छी मूवमेंट बनते नजर आ सकते हैं, एक अच्छे जो ना भी रिकवरी स्टॉक आपको दिखा सकता है, अदरवाइज स्टॉक आपको ऊपर के लेवल से और ज़्यादा टूटते हुए नज़र आने वाला है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि स्टॉक से अभी हाल फिलहाल जितना है उतना, देखो भाई फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी थोड़ी दूरी बनाओ, और जिनकी पहले से होल्डिंग है, जिनके शेयर सेपरेटेड हुए हैं, वो लोग अभी जो ना होल्डिंग बना के चलो। और हाँ एक चीज़ हो रहा है कि आप लोग जो है सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर मत बढ़ाओ, अगर ऐसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ाओगे तो आप ही कैसे में लॉस होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई देख लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।